दाल के वड़े यानी कि मूंग की दाल के पकौड़े, आज का ब्रेकफास्ट ये बिना छिकल वाली मूंग की दाल है, तो इजीली होती है बनाने में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको बस भिगो के रख दिया रहता है रात में, सुबह पीस के इसमें डालते हैं प्याज मिर्च, और इसके साथ बनाई है ये चटनी। और अभी ये थोड़ी सी बची है, तो अभी मैं ये वाली पीसूँगी। ये जाएगा प्याज, ये जाएगी हरी मिर्च, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज है तीज, सबसे पहले आप सभी लोगों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो तीज को फास्ट नहीं रखती हूँ, क्योंकि जो भी मैं डिशेस बनाती हूँ आप लोगों से शेयर जरूर करती हूँ। और ऑनलाइन प्रोडक्ट मैंने काफ़ी सारे शेयर किए हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा, आपने इतने ऑनलाइन प्रोडक्ट में से कोई सा मंगाया है अपने लिए कि नहीं। तो मीशो वगैरह जो है, मीशो से भी मैं काफ़ी प्रोडक्ट मंगा चुकी हूँ, अच्छा ऐप है मीशो भी, उसके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे निकलते हैं। और ऑनलाइन जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग ही मेरी अभी बहुत सालों से हो रही है, क्योंकि मार्केट वगैरह मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं बाज़ार में 2-3 घंटे बर्बाद करूँ, तो इसलिए मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही ज़्यादा करती हूँ। अगर मैंने डाला था रीति का पूरा रूटीन का, मैं भी अपना रूटीन का डाल चुकी हूँ, मैं सुबह से शाम तक क्या करती हूँ वो आप देख सकते हैं जाके चैनल पर। बहुत सारी मैंने डिश भी डाली हैं, डिशेज बनाती हूँ मैं, तो वो भी मैं डालती हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ, काफ़ी सारे मैंने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया। ऑनलाइन फ्रिज मंगाया था हमने LG का, वो भी काफ़ी अच्छा निकला है। ऑनलाइन हमने जो मेरी TV है 55 इंच की, ये भी हमने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, ये भी काफ़ी अच्छी निकली। इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, और फ्रिज का भी वीडियो पड़ा हुआ है। और भी हमने मैट्रेस मंगाया था अपने बेड के लिए, वो भी पड़ा हुआ है। काफ़ी आ गया है, मन्नू की राखी आ गए हैं, बबली दीदी ने भेजी है, तो थैंक यू मन्नू। और ये जो है वो पूरा अब जो चल रहा है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, राखी का ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है और अच्छे से टाइम पर आ भी जाता है ऑनलाइन ऑर्डर करने पर। तो ये भी ऑनलाइन करी गई है, फ्लिपकार्ट से है ये। और इसमें जो है वो पूरा कॉम्बो है, मैं दिखा रही हूँ आपको क्या क्या आया की तरफ से। बेटा तुमने रोली कहाँ कर दी है, इसमें एक पैकेट और था। तो ये है मिठाई, और ये है दो राखी, एक आरब की और एक रीति की, और ये रहा इसके साथ कार्ड, और इसके साथ एक पैकेट और है छोटा सा रोली का, वो शायद अभी आरब ने निकाल लिया भाई। तो एक एक राखी तो हमारी आ गई, अब कोई दूसरी आएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दो पार्सल्स। जैसे कि आपको अच्छे लगे ये दो पार्सल्स, तो आप इनको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को दबा दीजिए। और ये हैं मेरे दो पार्सल्स। ये दोनों जो मैंने आपको दिखाया था, बड़ा वाला भी दिखाया था, वो दोनों आए हैं मीशो से। तो ये मेरी मम्मी ने मंगाया है, छोटे वाले में कह रही थी कि छोटा वाला खोल के देखना, तो मैं छिंद से निकालती हूँ। देखिए आप, जिस कलर के मैं ड्रेस पहनूंगी उसी कलर के होंगे। ये वाला पार्सल जो कि मैं अभी ओपन करने वाली हूँ, इसमें नहीं पता मुझे है क्या। ये क्या फ्रेंड्स, तो इसमें दो आए हैं, एक आप देख सकते हैं लाइन वाला, लाइन नहीं। ये कैरी बैग है फ्रेंड्स, इसके हम ना कपड़े रख सकते हैं, टॉय रख सकते हैं, और एक मेरा है एक भाई का है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स दोनों हैं 275
5 के, और ये देखिए कितने क्यूट क्यूट से हैं बैग। ये देखिए इसके अंदर टॉयज भी रख सकते हैं एंड अपने कपड़े भी रख सकते हैं। देखिए इस तरीके का है ये, मम्मी ने मीशो से मंगाया है, आप भी मंगा सकते हैं। और इस वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए कैरी बैग अच्छे है ना, आप भी मंगाइए, आप भी मंगाइए फ्रेंड्स मीशो से। तो आरव रीति के पास इतने खिलौने हैं, ये तो मतलब आधे तो फेंक चुके हैं जो उन लोगों ने तोड़ दिए थे। हाँ आधे तो कूड़े में जा चुके हैं तोड़ तोड़ के इन लोगों ने जो बेकार हो गए थे। ये तो बिल्कुल सही है इतने खिलौने। तो ये कार्टून ये वाला भर के रखा था और एक ये मैंने इसमें रखे थे भर के बाल्टी में। तो आज सारे निकाले हैं, ट्रेन चला रहे हो, मेट्रो है ये, मेट्रो मेट्रो में हम लोग एक बार गए थे ना। ये लकड़ी वाली ट्रेन तो तोड़ दी है, जोड़ो इसको सही से सारे डिब्बे इसके। और अब अपनी गन दिखा, गन कहाँ है और कहाँ है दूसरी गन, ये रही ये रही, ये ग्रीन वाली ये पड़ी है, ये पड़ी है, ये इधर आ गया, ये पड़ी दिख गई। हाँ ये वाली और एक और थी, मम्मी क्या करा? मैं दो वाले में यूज़ कर रहा, मम्मी क्या करा इसमें, एक बॉल देखो वो पड़ी छोटी वाली पीछे से उठा लो, और दो बॉल ये है। ऐसा कोई खिलौना नहीं है जो आरव और रीति के पास ना हो, और ये तो बहुत ही कम है। सारे जो इनके पास कार जो है वो कम से कम 5-6 कार थी, ये सारी टूट चुकी है। किसी का स्प्रिंग निकल गया, किसी का जो है वो चार्जर नहीं मिल रहा है, किसी का रिमोट ख़राब हो गया, तभी चल नहीं रही, वरना मैं आपको चला के दिखाती। दिखाओ अपने टॉय कौन कौन से है। ये है टैडी और ये है ये डालने वाला रिंग्स। देखिए मैं आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये है और मम्मी की तरह तो ये है कैट। अभी इसके सेल नहीं है, मैं आपको चला के दिखाती हूँ। और ये टूटी भी है, देखिए पीछे से वो तो तुमने तोड़ दिया। रीति ने आज तक जो है वो किसी से खेला है तो केवल इससे खेला है। ये जो है रीति का, ये है क्या बोलती थी इसको, नहीं चंपू, हाँ इसका नाम था चंपू। और रीति केवल इसी से खेलती थी, पहली बार स्कूल गई थी तो उसको लेके गई थी साथ में चंपू को। तो यही है रीति का सबसे फेवरेट। कल इसको नहला देना, नहाने जाओगी तो गंदा हो गया। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास 4 गन थी, वो सारी टूट गई है, खाली ये भी नहीं बची है लास्ट। आरव कर रहा है हेलो, हेलो कर लो पापा से, ऐसे कर लो सीधा पकड़ो, इसमें से कुछ भी नहीं चल रहा है जो चलाने लायक हो, सारे तोड़ के रख दिया। ये वाला इसमें से सेल नहीं है। ये लो फ्रेंड्स, ऐसे बंच करके कॉक को खेल सकते हैं ऐसे। लबलू लबलू खाने के लिए देखिए, ये अभी आपको सब खेले दिख रहे हैं ना, ये देखिए इतने सारे। तो अभी मैं पूरा सर्कल और तो ये मैंने गोले बना दिए हैं। देखिए देखिए
इतना बड़ा गोला बन गया। इतना बड़ा सर्कल बन गया फ्रेंड्स, देखिए। ये मम्मी ने आज मेरी बनाई है कचौड़ी और दही है, ये आपको दिखाऊं तो फिर बताइए।